Hi friend, this is us. You're watching Mr. Ant's channel on YouTube. In this video, we are going to learning about how to write a paragraph about my school. So my school is the important and easy essay or paragraph in the 9th class. This is the only essay that everyone can write about without any general further knowledge. So let's start how to write my school as a paragraph for the examination point of view. तो बात करें my school की, मेरा school, my मेरा school, school. तो देखें I में study पढ़ता हूँ, in में the Al-Faisal Grammar High School, मैं अल्फैसल ग्रामर हाई स्कूल में पढ़ता हूँ. आप जौन से भी स्कूल में पढ़ते हैं आपने उसका नाम यहाँ पे लिखना है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें अल्फैसल ग्रामर स्कूल आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे अल्फैसल ग्रामर स्कूल लिख रहे हैं. फैसलाबाद में है ये अल्फैसल ग्रामर स्कूल. अभी फ़िलहाल मुझे तो नहीं पता होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर लिखा है तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा. इट्स बिल्डिंग इज़ वेरी ग्रैंड, उसकी जो बिल्डिंग है बहुत बड़ी है होगी. तो इट हैज़, इसके हैं 3 स्टोरीज. वो कहते हैं कि इसकी जो बिल्डिंग है काफ़ी बड़ी है और उसमें 3 मंजिलें हैं. देयर आर, वहाँ है 27 रूम. ज़बरदस्त हो गया इन इट, कहता है उसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, उसमें 3 मंजिलें हैं और उसमें ओवर 27 यानी कि 27 कमरे हैं. ऑल द रूम्स, सारे कमरे आर नीट. वो कहता है सारे कमरे साफ हैं, क्लीन, साफ सुथरे हैं. एट एरिए, और वहाँ हवा भी आती है. ऐसा कोई नहीं है गर्मियाँ और आप वैसे बैठे हो पसीना आपको आया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन काफ़ी स्कूल में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है. तो लेकिन अभी जैसे जैसे मतलब हम एडवांस में आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का जो है हमें सामना नहीं करना पड़ता. तो पहले ऐसा खैर होता था, लेकिन अभी तो काफ़ी मैनेज कर रही है गवर्नमेंट सारे स्कूल्स वगैरह को. एवरी, हर क्लासरूम, हर क्लासरूम हैज़ है 2 इलेक्ट्रिक फैंस. कहते हैं कि जौन सा भी क्लासरूम है हमारा, हमारे स्कूल में अल-फैसल ग्रामर स्कूल में जौन सा भी हमारा जो कमरा है उसमें कम से कम 2 जो पंखे हैं वो लगे हुए हैं. देर इज़ अ बिग हॉल, वो कहता है कि एक बड़ा हॉल है इन माई स्कूल. कहता है कि बड़ा हॉल है मेरे स्कूल में, कमरे से थोड़ा वो बड़ी जगह होती है उसे हॉल बोलते हैं. मीटिंग्स एंड एग्जामिनेशंस आर हेल्ड, कहता है अगर कोई मीटिंग हो गई स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के दरमियान या फिर हमारे एग्जामिनेशंस जो होते हैं वो भी वहाँ पे होते हैं उस हॉल में. माई स्कूल हैज़ अ बिग लाइब्रेरी, मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है. वी रीड बुक्स, हम किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर अखबार पढ़ते हैं, एंड मैगजीन्स और रसाले पढ़ते हैं. देयर, वहाँ, कहता है कि एक लाइब्रेरी है हमारे स्कूल में, हम वहाँ जाके बुक्स पढ़ते हैं यानी किताबें, हम अखबार पढ़ते हैं और रसाले पढ़ते हैं. माय स्कूल आल्सो, मेरा स्कूल भी है, हैज़ साइंस लेबोरेटरी. कहता है कि मेरा जो स्कूल है उसमें एक साइंस लेबोरेटरी है. तो 50 टीचर्स टीच, कहता है कि 50 अस्ताजा टीच इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं. दे आर वेल, वो बहुत क्वालिफाइड यानी कि तलीम याफ्ता हैं. ट्रेंड, उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी है, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस भी अच्छा है, तजर्बा भी अच्छा है, ठीक है. देर आर है वेरी, बहुत हार्ड वर्किंग, मेहनती. दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती हैं, अपनी लगन के साथ पढ़ाते हैं. दे आर काइंड, वो रहम दिल भी हैं टू अस, हमारे लिए. दे टीचेस
विद ग्रेट केयर, वो बहुत अजीम एहतियात के साथ हमें पढ़ाते हैं एंड और डिवोशन करवाने लगा के या लगन से। अवर प्रिंसिपल, हमारा जो प्रिंसिपल इज़ अ वेरी नोबल मैन, बहुत शरीफ आदमी है, तो वो भी हमारा ख्याल करता है। आल ओबे एंड ओनर, कहता है कि कहा मानता है हमारा और इज्जत करता है। सॉरी, आल ओबे एंड ओनर हिम, सब उसका उसका कहना मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। माई स्कूल, मेरा स्कूल शोज दिखाता है वेरी, बहुत एक्सीलेंट, शानदार रिजल्ट, नतीजा, मेरा जो स्कूल है बहुत शानदार नतीजा दिखाता है। मे दुआ है इट फ्लोरिश, दुआ है ये तरक्की करे डे बाय डे, दिन और दिन से। सो दिस वाज अवर माय स्कूल, सो गोना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय फॉर नाउ।